हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल्स। हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी तो कंप्लीट कर लिया था। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती थी? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट लोन पेयर्स। अब डोनेट लोन पेयर्स कौन करेंगे? जिनके पास लोन पेयर होंगे। अब लोन पेयर जिनके पास, जैसे हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जैसे न्यूक्लियोफाइल हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक तो जो नेगेटिव चार्ज होते हैं और एक न्यूट्रल होते हैं। हमेशा नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल मोर पावरफुल कह लो या इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल कह लो। जैसे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज कौन से? OH नेगेटिव, S नेगेटिव, H, X नेगेटिव, ये हमारे पास बहुत कॉमन। हमारे पास हैलोजन है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। और न्यूट्रल में जैसे हमारे पास पाई बॉन्ड आते हैं, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो हम बॉन्ड तोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव आ जाता है। तो बेंजीन हमारा यहाँ पर क्या काम करेगा? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल, जो हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, मतलब एबिलिटी करते हैं कि वो डोनेट कर सके लोन पेयर्स को, जिनके पास कोई लोन पेयर्स होते हैं। तो आप होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।